नमस्कार, मैं सुभांगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का द ऑप्टिम में। यूपी बोर्ड 12वीं की डेट जल्द देखे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर फैसला, 50% सीटों पर पड़ेगी सरकारी कॉलेजों वाली फीस। यूपीएससी सिविल्स मेंस में मिलेगी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ऐसी ही निर्देश। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए स्कूल को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं की फर्जी वेबसाइट के खिलाफ सरकार ने जारी की चेतावनी। इग्नू ने जनवरी सत्र के लिए प्रवेश की समय सीमा बढ़ाई, नई तिथि देखें। पीएम मृदुभाषी के जीवन में सफलता की कामना करते थे, छात्रों ने पुणे में तुर्की सवारी को याद किया। यूक्रेन से लौटे छात्र को सरकारी खर्च में भारतीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे दिग्विजय सिंह। गुजरात के सरकारी स्कूल में 19 से अधिक कक्षाओं की कमी। हरियाणा सरकार कक्षा 10 से 12 तक के छात्र को मुफ्त टैबलेट देगी गवर्नर पाल। कर्नाटक द्वितीय पीयूसी समय सारिणी 2022 जारी, जाने पूरे कार्यक्रम। सीईटी 2022 के परिणाम घोषित, 12 मार्च को जारी होगा स्कूल। स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया। विदेश में अध्याय भारतीय छात्रों ने जिला दी जाने वाली शीर्ष 3 छात्रवृत्तियां। नीट यूजी 2021 में दाखिले के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य, नहीं एमसीसी। एसपी बोर्ड कक्षा 10 की डेट शीट एवं टू परीक्षा के लिए संशोधित नया शेड्यूल देखे। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से यूक्रेन से लौटने वाले भारतीय छात्रों की चिकित्सा शिक्षा जारी करने में मदद करने का आग्रह किया। एक बार में एक शब्द क्विज आधारित गेम भाषा कौशल को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। यूपीपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022-23 से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। जेईई मेंस 2022 के लिए 2 प्रयास प्रक्रिया को कारगर बनाएंगे। धन्यवाद और बने रहे हमारे साथ द ऑप्टिम में।